हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। आपके सामने अकाउंट से कंसेप्ट को क्लियर वे में समझने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में अपना जीएसटी समझ लिया क्या होता है, टैक्सेस समझ लिया क्या होता है। तो आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर अराइज हो रहा होगा, जो मैम हम परचेज पे टैक्स पे करते हैं और जो हम सेल्स पे टैक्स पे करते हैं, वो जो हमारा जो टैक्स है उसको हम क्या मानेंगे? ये हमारी एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है या इनकम है? तो आज की क्लास में हम इन डेप्थ यही पढ़ेंगे कि इनको हम क्या कंसीडर करते हैं। आज की क्लास के बाद आपको बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। परचेज करते हैं और जब हम सेल करते हैं, सपोज मैं कर रही हूं, एग्जांपल ध्यान से सुनना, मेरा ये गारमेंट्स का काम है। मैं यहां से फैब्रिक खरीद रही हूं और यहां पर मैं सोल्ड कर रही हूं अपना सूट्स, ठीक है। अब मैंने फैब्रिक खरीदा है, सपोज मैंने एग्जांपल छोटा सा देती हूं, मैं 100 रुपये का मैंने फैब्रिक खरीदा, ठीक है, परचेज पे। अब मैंने उस पर, अभी हम जीएसटी एसजीएसटी की बात नहीं करें, मैं नॉर्मल जीएसटी लिखूंगी सिर्फ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए। यहाँ पर मैंने जीएसटी पे किया बच्चों 18%, ठीक है। तो मैं कितना दे रही हूँ अपने क्रेडिटर्स को, 118 रुपये, क्लियर। ये मैंने यहाँ पर कितना जीएसटी पे किया, 18 रुपये। यहाँ पर हम सीजीएसटी एसजीएसटी इंटरस्टेट वो कुछ भी नहीं समझ रहे, अभी सिर्फ हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं परचेज और सेल वाली एंट्रीज को लिए। 100 रुपये का मैंने फैब्रिक खरीदा, 18 रुपये मैंने जीएसटी के दिए, 118 रुपये मैंने क्रेडिटर्स को। अब आता है सोल्ड, मेरा जो फैब्रिक था वो बन के तैयार हो गया सूट्स में, ठीक है। और मैंने क्या किया, वो 500 रुपये का मैंने लेट से 1000 रुपये का वो सूट बेच दिया, ठीक है। सूट कितने का सोल्ड हुआ, 1000 रुपये का। और जीएसटी मेरी जो इस पर एप्लीकेबल है बच्चों, जीएसटी मेरी वही 18% एप्लीकेबल है, तो 18% में लगाती हूँ तो बच्चों मेरा कितना होता है, 180 रुपीज़। तो मैंने वो सूट कितने में बेचा, 1180, ठीक है। मैंने जीएसटी क्रेडिटर्स को पे किया था 18 रुपये का, जब मैंने परचेज किया था सामान तो मैंने जीएसटी कितना पे किया था, 18 रुपये, ठीक है। अब जब मैं सोल्ड कर रही हूँ माल को, तो जीएसटी बच्चों मेरा कितना जा रहा है, 180 रुपये। ये मैं पे कर दिया 18 रुपये, अब मेरी जो लायबिलिटी बन रही है वो बन रही है 180 रुपये, ठीक है। तो क्या करूँगी मैं, गवर्नमेंट जब को जाके बोलूँगी, गवर्नमेंट देख 18 रुपये तो मैं तुझे ऑलरेडी जीएसटी पे कर चुकी हूँ ना इसी प्रोडक्ट के ऊपर, 100 रुपये का ही तो प्रोडक्ट मैंने उस पर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के पैसे लगा के उसको कितने का कर दिया, 1000 रुपये का, 1000 रुपये का मैंने उसी मटेरियल को बेच दिया। तो मैं गवर्नमेंट को जाके क्या कह रही हूँ कि जो 100 रुपये है, इसी कपड़े को तो मैंने 1000 रुपये में कन्वर्ट कर दिया, तो 100 रुपये के ऊपर तो मैंने ऑलरेडी जीएसटी पे कर दिया ना, तो मैं फिर से इसके ऊपर फिर से पे करूँ जीएसटी। तो गवर्नमेंट ने मुझे क्या कहा कि ठीक है, तूने 100 रुपये के ऊपर 18% जीएसटी पे कर दी, अब तेरी जो 1000 रुपये का जब तू उसको सोल्ड कर रहा है तो तेरी लाइबिलिटी कितनी अराइज हो रही है, 180 रुपये की। तो क्या कर, जो भी तेरी जीएसटी की वैल्यू बन रही है ना, उसमें से जो जितना तू पे कर चुका है 18 रुपये, उसका तू क्या ले ले, डिडक्शन, उसका तू ले ले डिडक्शन। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वही तुझे पे कर, क्लियर, मतलब 160 रुपीज़ 2 रुपीज़ मुझे पे कर, समझ आई? फिर से टेंशन नहीं लेने, समझ के ही छोड़ेंगे इस कॉन्सेप्ट। मैंने 100 रुपये की चीज़ खरीदू, उसको मैंने मैन्युफैक्चरिंग करके 1000 रुपये की चीज़ बना के सोल्ड कर दिया, 100 रुपये की चीज़ पे मैंने क्या किया, 18 रुपये का जीएसटी पे किया, और 1000 रुपये की चीज़ पे भी मुझे जीएसटी पे करना है, ठीक है। 1000 रुपये की चीज़ पे मुझे जीएसटी पे करना है, तो इस पर मैंने 18% जीएसटी पे कर दिया। तो बच्चों मेरी जो सोल्ड पे जितना कितना जीएसटी मुझे पे करना पड़ेगा, 180 रुपये, और 18 रुपये का जीएसटी मैं ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ, तो
तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, जितना तू जीएसटी पे कर चुका है ऑलरेडी, जितना तू मुझे टैक्स पे कर चुका है ऑलरेडी, उसका तू क्या ले ले डिडक्शन, वो तू कम पे कर दे। तो मैंने क्या किया, 180 में से 18 रुपये माइनस कर, तो बच्चों मेरा कितना है 162 रुपीज। क्लियर? जिस चीज का, इसीलिए तो जीएसटी आया कि हमारा कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग का क्या मतलब होता है, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स वाला डुप्लीकेशन ऑफ टैक्स खत्म हो जाए। ठीक है, तो इस केस में क्या किया, जो 100 रुपए के ऊपर मैं ऑलरेडी पे टैक्स पे कर चुकी हूँ, उसने क्या किया, जितना तूने टैक्स इसके ऊपर पे कर रखा है तो उसका डिडक्शन ले ले। तो मेरा यहाँ पर बच्चों कितना बन रहा था, 180 रुपीज, 180 टैक्स बन रहा था। तो जो 18 रुपीज का टैक्स मैं ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ अपने परचेजेस पे, उसकी मुझे छूट मिल जाती है। तो मेरा क्या बनता है, मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 162। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नहीं समझ आए तो फिर से वीडियो को चला के देखना, समझ पक्का आएगा। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, जब हम, अब हम थोड़ी सी जनरल एंट्री के टच में जाते हैं। अब देखो, जब मैं कोई आइटम परचेज करती हूँ, अभी बच्चों मैं सीजीएसटी एसजीएसटी की बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आपको जीएसटी का ही बताऊंगी। उसके बाद हम, जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर हम इसको ब्रेक करेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, जब हमने परचेज किया बच्चों, सपोज मैंने राम से परचेज किया है 100 रुपीज का एक मटेरियल, और उसपे 18% का जीएसटी पे कर। ठीक है, तो बच्चों मैं क्या एंट्री करती थी, रिवाइंड रिवाइंड मॉडर्न रूल ट्रेडिशनल रूल सारा रिवाइंड करना, परचेज मेरे खर्चे है तो वह मेरा डेबिट हो जाता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू 100 रुपीज। और मेरा क्या, हम पहले ये करते थे टू क्रेडिटर्स राम, ये वाली एंट्री करते थे हम 100 रुपीज। अब देखो इस केस में क्या इंक्लूड हो रहा है, मेरा जीएसटी इंक्लूड हो रहा है 18%। अब मेरा 18% जीएसटी कितना अमाउंट हो गया बच्चों, 18 रुपये। अब इस 18 रुपये को मैं जनरल एंट्रेंस में कैसे डालूंगी, ध्यान से सुनो। देखो मैंने आपको पिछली क्लास, अगर किसी ने नहीं देखी है तो मेरी पिछली क्लास जरूर देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जरूर देख लेना। अब देखो, हमने परचेज किए गुड्स, तो राम ने क्या किया, जीएसटी लगा के मुझे बेचा गुड्स। तो हम क्या करें, गवर्नमेंट को टैक्स ना पे करके हम क्या कर रहे हैं, राम को टैक्स पे करेंगे हम। मैंने क्या बताया था आपको, इनडायरेक्ट टैक्स क्या टैक्स होता है, जीएसटी क्या होता है, कि हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को ना पे करके हम जिससे मटेरियल खरीद रहे हैं या फिर जिससे सर्विस खरीदे, मैंने ध्यान है आपको पिछला क्लास में एग्जाम्पल दिया था, जीन्स, हमने जीन्स खरीदी थी शॉपकीपर से, तो हमने क्या किया था, उसको 2000 की जीन्स खरीदी थी। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रही हूँ, अगर किसी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अभी तक जीएसटी के, तो वो प्लीज़ मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक खोल के देख लेना, छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वीडियो है। तो जीन्स खरीदी थी मैंने 2000 रुपये की, उस पर मैंने 12% जीएसटी पे किया था 240। तो मैंने वो क्या किया था, शॉपकीपर को दिया था, शॉपकीपर ने आगे जाके गवर्नमेंट को दे दिया था। इस केस में मैं क्या करूंगी बच्चों, मैं राम को जीएसटी पे करूंगी, राम आगे जाके गवर्नमेंट को दे देगा, राम क्या करेगा आगे जाके गवर्नमेंट को दे देगा। तो इस केस में क्या है, जो जीएसटी 18% में पे करूंगी वो किसको करूंगी, राम। ठीक है, 100 पे 18% जीएसटी बच्चों कितना निकला, 18 रुपये। तो क्या है, राम को मुझे 100 रुपये भी पे करने हैं और 18 रुपये भी पे करने हैं, और वो जो 18 रुपये आगे जाके वो गवर्नमेंट को दे देगा। क्लियर? अब मेरा 100 क्रेडिट साइड, तो मेरा मैं 118 रुपये की एंट्री बन गई, लेकिन मेरा क्या बना है, डेबिट साइड सिर्फ 100 रुपीज की ही एंट्री बन गई मेरी। क्या है, डेबिट साइड सिर्फ 100 रुपीज की, जो 18 रुपीज टैक्सेस का है वो मैं कहाँ डालू। क्या है देखो, अब मैंने आपको क्या बताया था, हमने दो टर्म पढ़े थे, एक एसेट पढ़ा था एक लाइबिलिटी पढ़ा था। तो एसेट में मैंने आपको क्या बताया था, अगर जिससे मुझे पैसा लेना है, जिससे मुझे कुछ भी लेना है, वो मैं किस में डालती हूँ, एसेट साइड में डालती हूँ। मैंने आपको बताया था, जिससे अगर मुझे कुछ भी लेना है तो वो मेरे डलेंगे एसेट्स में। अब ये जो मेरा टैक्स है 18 रुपये का, इसके अगेंस्ट मुझे क्रेडिट मिलेगा, इसके अगेंस्ट मुझे बेनिफिट मिलेगा जब मेरी जो लाइबिलिटी होगी, जैसे हमने ऊपर क्या किया था, हमने 180 रुपये की जब लाइबिलिटी अराइज की थी, तो हमें गवर्नमेंट क्या कह दिया था कि तेरे को 18 रुपये की छूट मिल जाएगी। तो बच्चों देखो, इसके अगेंस्ट जो मुझे छूट मिल रही है, वो मुझे मिलेगी ना, वो मुझे फ्यूचर में मिलेगी छूट। तो मेरा क्या है, ये एसेट है। जब भी मुझे किसी चीज़ के रिगार्डिंग कुछ फ्यूचर में मिलने वाला होता है, जब भी मुझे फ्यूचर में कुछ उससे रिलेटेड मिलने वाला होता है, तो मेरी क्या बनती है, वो एसेट्स बन जाती है। वो मेरी क्या बनती है, अगर मेरे को मिलता है तो मेरी एसेट बन जाती है, अगर मुझे पे ऑफ करना पड़ता है तो मेरी लाइबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो जो मैं राम को 18 रुपये एक्स्ट्रा दूंगी, तो मुझे फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिल जाएगा, जितनी भी मेरी लाइबिलिटी बनेगी वो मेरी सेट ऑफ हो जाएगी,
जितनी भी मेरी लाइबिलिटी मिलेगी सेट ऑफ वर्थ, अभी अभी मैं नहीं समझा, अभी मैं बाद में करूँ बताऊंगी आपको, लेकिन जितनी भी मेरी जो भी मेरी लाइबिलिटी बनेगी उसके अगेंस्ट मुझे छूट मिल जाएगी बेटा। छूट को ही आप सेट ऑफ बोल सकते हो, मतलब आपने सेट ऑफ कर दिया, 18 रुपये सेट ऑफ कर दिया। और वो मैं आपको धीरे 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 टेक्निकल टर्म्स कनेक्ट करके नॉर्मल लेमैन के आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कराने वाली हूँ। देखो तो समझ आया आपको, तो जो 18 रुपीज़ है हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया, गवर्नमेंट ने हमसे वादा किया है कि तेरे को इस 18 रुपीज़ का क्रेडिट मिल जाएगा, तेरे को इस 18 रुपीज़ का मैं बेनिफिट दे दूंगी जब भी तेरी लाइबिलिटी अराइज होगी। जो हमने ऊपर समझा था कि 180 रुपये में से 18 रुपये हमने माइनस कर दिए, तो हमें कितने पे करने हैं, बस 162। तो इसके अगेंस्ट मुझे छूट मिलनी है, अगर मुझे कुछ चीज़ मिलनी होती है तो मेरी एसेट्स होती है, और एसेट्स जब भी मेरी एसेट्स बढ़ती है, जो भी मेरी एसेट अराइज होती है उसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो मैं क्या नामकरण दूंगी बच्चों इसको, इनपुट। ये क्या बन गया मेरा, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट 18 रुपीज। क्लियर, समझ आया, थोड़ा थोड़ा समझ आया। इनपुट जीएसटी क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि इसके अगेंस्ट मुझे छूट मिलेगी, अगर मुझे कुछ मिलनी चीज होती है तो मैं उसको डालती हूँ ऐसे। तो बच्चों मैंने एंट्री कैसे बनाई, मैंने एंट्री बनाई है, ये मेरी परचेजेस थी, 100 रुपये की मैंने परचेजेस की, और राम को, राम ने क्या किया, 100 रुपये तो तू मुझे मटेरियल के दे दे, और 18 रुपये तू मुझे किसके दे दे, जो जीएसटी पे करना है मुझे गवर्नमेंट को। तो राम ने मुझसे 118 रुपये ले लिए, जैसे पिछली क्लास में हमने जीन्स वाले में शॉपकीपर को दिए थे 2240, तो ऐसे उसने मुझसे 118 रुपये ले लिए। 100 रुपये का तो मैंने खर्चा बुक कर दिया, और जो एक्सपेंसेस वाला था, और दूसरा जो हमने इनपुट जीएसटी डाला है वो 18 रुपये डाला है कि इसके अगेंस्ट मुझे अभी बेनिफिट मिले। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सा है ये मेरे बच्चों। तो मेरी जो सिंपल सी एंट्री थी, परचेज अकाउंट डेबिट, फिर क्या इनपुट जीएसटी क्यों डेबिट आया, क्योंकि ये हमारी एसेट्स है, इसके अगेंस्ट मुझे बेनिफिट मिलेगा, डेबिट टू क्रेडिटर्स जो कि हमारा राम है, 100 रुपये खर्चा मेरा था, 18 रुपये मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा, तो मैंने एसेट में डाल दिया, एसेट हमेशा डेबिट करते हैं, ये मेरी एंट्री हो गई। क्लियर, अब सेल, सेल मैंने क्या किया, 1000 रुपये का इसी फैब्रिक को, जो मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया उसी से मैं आपको सेल की एंट्री बता रही हूँ, कि 1000 रुपये का सूट बना के बेच दिया, ठीक है, 1000 रुपये का सूट बना के बेच दिया, उस पर मेरा लगा 180 रुपये का जीएसटी, तो 1180। अब देखो बच्चों, पहले तो हम जो सेल की एंट्री करते हैं, फटाफट रिमाइंड करो, मॉडर्न ट्रेडिशनल रूल से हमारी क्या एंट्री होती थी, हमने किसको बेचा है बेटा, शाम को, तो हमारा क्या होता था, डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स क्या हमारा शाम है, हम यही एंट्री करते थे, शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, यही एंट्री होती थी हमारी, शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब देखो, शाम को हमने 1000 रुपये तो हमने सूट के लेने हैं, और 180 रुपये उसको कह रहे हैं कि तू हमें जीएसटी की भी दे। अब क्या है बच्चों, देखो जीन्स में हमने जो समझा था ना उसको उल्टा कर लो, जीन्स में हम थे कस्टमर, आप सब जो तुम शॉपकीपर हो, ठीक है, तुम्हारा खुद का ही बिजनेस है, तुम शॉपकीपर हो, तो कस्टमर में हमने जब, अब हम जीन्स, हम शॉपकीपर है, ठीक है, तो हमने 100 रुपये, हमने 1000 रुपये का उसको सोल्ड किया, और 180 रुपये से उसका जीएसटी लिया, 1000 रुपये का सूट था और 180 रुपये हमने जीएसटी के लिए, तो हम उससे बच्चों कितना लेंगे, 1180। तो शाम से हमें कितना लेना है बच्चों, शाम से हमें कितना लेना है, 1180, इतना अमाउंट हमें शाम से लेना है। शाम तू हमें दे 1000 रुपये तो तेरा फैब्रिक जो मैंने सूट बेचा है, और 180 रुपये तेरे जीएसटी के है, तो दोनों चीजें निकाल। जैसे हम शॉपकीपर को पे कर रहे थे जीन्स के केस में 2000 हम पे कर रहे थे, और 240 रुपीज़ हम उसको टैक्स के पे कर रहे थे, ऐसे ही हमने क्या किया पिछले इस, और इसमें हमने 100 रुपये उसको परचेज किया, और 18 रुपये हमने जो उसको जीएसटी पे किए, ऐसे ही हम शाम से 1180 रुपीज़ ले रहे हैं, 1000 रुपीज़ तो हम उसके सूट के ले रहे हैं, और 180 रुपये हम उससे किसके ले रहे हैं, जीएसटी के ले रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन हमने जो सेल्स है उसको, सेल्स बच्चों कितने की किया है, मैं, मेरा जो सूट गया वो कितने का गया, 1000 रुपये का ही गया, जो मेरा सूट गया वो 1000 रुपये का ही गया, तो जो 180 रुपये है, 180 रुपये जो जीएसटी वाला है, वो उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करें। अब देखो बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने शाम से 180 रुपये ले लिए, और मैंने उसको क्या वादा किया कि मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा तेरे 180 रुपये,
इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरमीडिएटर का काम कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, शाम से जीएसटी लेकर और मैं क्या कर रही हूँ, गवर्नमेंट को आके पे कर रही हूँ। मैंने क्या किया, शाम से 180 रुपये ले लिए, मुझे क्या करना है आगे, गवर्नमेंट को पे करना। गवर्नमेंट को पे करना है तो बच्चों क्या हो गया, आपके सर पे बोझ हो गया, आपके सर पे क्या हो गया, लाइबिलिटी। आपके सर पे क्या हो गया, अगर आपको किसी को देना होता है तो क्या होती है, वो आपकी लाइबिलिटी होती है, समझ गए। अगर आपको किसी को देना होता है तो क्या होती है बच्चों, वो आपकी लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी होती है तो वो क्या आती है, आपकी क्रेडिट साइड में। जो भी हमारी सारी लाइबिलिटी होती है वो बच्चों मेरी कहाँ आती है, क्रेडिट साइड में। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, टू जीएसटी आएगा, ठीक है, कितना आएगा बच्चों, 180 रुपीज से। अब देखो जब हमने परचेज किया था, परचेज वाले जीएसटी को हमने क्या नाम दिया, इनपुट जीएसटी। तो हम सेल्स वाले जो, हम सेल्स, हमें सेल्स वाले जो जीएसटी जो हम लगाएंगे उसको हम क्या नाम देंगे, आउटपुट जीएसटी। कि सेल्स मेरा आउट हो गया, सेल्स मेरा आउट हो गया तो इसलिए आउट, और परचेज में मेरे पास इन आया तो इससे रिलेटेड भी आप इसको याद करने की कोशिश कर सकते हैं कि परचेज किया तो मेरे पास इन मटेरियल अंदर जा रहा है तो मेरा इनपुट जीएसटी लगेगा, और सेल्स मेरा आउट हो रहा है तो मेरा आउटपुट जीएसटी लगेगा। क्लियर क्लियर क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नहीं समझ आया तो मेरी वीडियो एक बार फिर से चला के देखना, ज़रूर समझ आएगा। देखो सेल्स के केस में हम इंटरमीडिएट का काम कर रहे हैं, हम शाम से लेकर गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। मैंने शाम से पैसे ले तो लिए और मैंने गवर्नमेंट को मुझे पे करना है, तो मेरी क्या है, वो लाइबिलिटी है, मेरे सर पे बोझ है। अगर मेरी लाइबिलिटी होती है तो उसका बैलेंस मेरा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस उसका बच्चों मेरा बैलेंस होता है क्रेडिट, तो इसलिए मेरा आया क्रेडिट साइड। क्लियर, कंसेप्ट समझ लिया अपना, इनपुट जीएसटी का और आउटपुट जीएसटी का। अब हमने जो पिछली क्लास में IGST SGST वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें हम इसको कन्वर्ट करते हैं। सपोज सबसे पहले हमारी हुई है विद इन स्टेट। विद इन स्टेट का क्या मतलब है, हमारा हमने जो एग्जाम्पल लिया है कि जो परचेज वाली एंट्री थी हमारी, कि हमने परचेज किया है राम के से 100 रुपीज का मटेरियल एट द रेट 18% जीएसटी में, ठीक है। अगर मेरी विद इन स्टेट है, विद इन स्टेट मतलब इंट्रा स्टेट से, इंट्रा स्टेट परचेज, अगर मेरी ये चीज है तो मैं इसकी एंट्री कैसे पास करूंगी, ठीक है। अगर मेरी ये है तो देखो मैंने क्या की थी अपनी एंट्री, मैंने यही की थी एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू मेरा राम, 100 रुपीज का मेरा मटेरियल था और मैंने वो जो जीएसटी लगा के कितना आ गया था मेरा, 118 रुपये। तो बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा था अपना इनपुट जीएसटी 18 रुपीज। तो मैं क्या करूंगी, अब इसको इनपुट जीएसटी ना करके, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर मेरी विद इन स्टेट है, अगर मेरी विद इन स्टेट है, स्टेट के अंदर ही है, तो बच्चों मेरे कितने टैक्स लगेंगे, मेरे दो टैक्स लगेंगे। एक टैक्स मेरा लगेगा CGST 9 रुपीज का जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, और एक मेरा SGST लगेगा 9 रुपीज का, जो मैंने कहा था आपको कि विद इन स्टेट हो तो SGST और CGST में ब्रेक हो जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, ये 9 रुपीज, ये 9 रुपीज, ये मेरा बन गया 118 रुपीज। क्लियर, बहुत सिंपल सा है। अभी हमने जो इनपुट वाला डाला, इनपुट जीएसटी डाला, उसको मैंने क्या करा, ब्रेक कर दिया। जो भी हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि इंटरा स्टेट जो होता है, जो विद इन स्टेट होता है, उसमें हम कैसे CGST और SGST में जीएसटी का अमाउंट ब्रेक कर देते। क्लियर, और अगर बच्चों ये आउटसाइड द स्टेट होता तो मैंने आपके यहाँ क्या क्या कहा था, आउटसाइड द स्टेट होता मतलब अगर राम हमारा दिल्ली में रहता है और वो किसी को, हम उससे खरीद रहे हैं और हम रहते हैं महाराष्ट्र में, तो हमारा क्या लगता है बच्चों, फिर हमारा क्या लग रहा था, हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, हमने पढ़ा था फिर हमारा लगता था IGST। तो देखो हम इसकी एंट्री कैसे पास करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इनपुट IGST। IGST स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये मेरा 100 रुपीज है, ये मेरा 18 रुपीज है, और टू राम 180। बहुत सिंपल सा है, यही वाली है जनरल एंट्रीज ही हमें आगे जाके इलुस्ट्रेशन में, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में करनी। क्लियर, हमने क्या करा,
विद इन स्टेट था तो हमने इनपुट जीएसटी और इनपुट एसजीएसटी में ब्रेक कर लिया 99 के रुपीज के हिसाब से। और अगर मेरा आउटसाइड स्टेट था तो हमने क्या पढ़ा था कि आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा, तो हमने इस अकॉर्डिंगली अपना ब्रेक कर लिया। ब्रेक, इसमें ब्रेक की जरूरत ही नहीं थी आउटपुट में, तो हमने इनपुट आईजीएसटी में डाल, क्लियर। और अगर बच्चों हमारी सेल्स है, अगर हमारा सेल्स है, सेल्स में हम क्या करेंगे, विद इन स्टेट में हमारा जो शाम है, शाम को हमने माल बेचा है 1000 रुपीज का और उस पर हमने जीएसटी 18% लगाया, तो हमने क्या किया, शाम क्या है हमारा, डेटर्स है, शाम अकाउंट डेबिट, और ये हमारा क्या है बच्चों, विद इन स्टेट हम देख रहे हैं अभी, तो हमारी क्या एंट्री आएगी, हमने क्या लिखा था, टू सेल्स, सेल्स हमारे पास माल कितने का गया बच्चों, 1000 रुपये का, और शाम से हमें कितने पैसे लेने हैं, 101180, 1000 रुपये तो हमें सूट के लेने हैं, और 180 रुपये हमें किसके लेने हैं बच्चों, 180 रुपीज़ हमें किसके लेने हैं, हमें लेने हैं जो हमने टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को। तो बच्चों ये जो 180 रुपीज़ की जो लाइबिलिटी है वो किसमें जाएगी हमारी, टू, हमने देखो क्या समझा था, हमने क्या समझा था यहाँ पर कि टू आउटपुट जीएसटी, हमने यही एंट्री बनाई थी ना, टू आउटपुट जीएसटी हमारी लाइबिलिटी है तो हमारी क्रेडिट साइड जाएगी, तो ये बन गई हमारी टू आउटपुट सी जी एस टी, टू आउटपुट एस जी एस टी, ये बन गया हमारा 90 रुपीज और ये बन गया हमारा 90 रुपीज, क्लियर। बस हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया सी जी एस टी में और आई जी एस टी में। और बच्चों अगर हमारी आउटसाइड स्टेट है, हमारी बाहर है, तो हमारी क्या एंट्री होगी, हमारी होगी शाम अकाउंट डेबिट टू आउटपुट आई जी एस टी टू सेल्स, ठीक है, ये हमारी लाइबिलिटी है इसलिए हमारा क्रेडिट साइड आएगा, ये हमारा हो गया 1180, ये हमारा हो गया 180 रुपीज और ये हो गया 1000 रुपीज, क्लियर। सिंपल सी एंट्रीज है, देखो जब हम किसी को देंगे पैसे जीएसटी के, तो उसके बदले हमें गवर्नमेंट ने वादा किया है कि आपकी जो भी लाइबिलिटी अराइज होगी उसके बदले आपको इतने की छूट मिल जाएगी। तो हमें जो 180 रुपीज पे करने हैं ना सेल्स पे, हमें जो 180 रुपीज पे करने हैं ना अपने सेल्स पे, उसके अगेंस्ट मुझे 18 रुपीज की छूट मिल जाएगी, उसके अगेंस्ट उसने हमसे प्रॉमिस किया है जो आप जीएसटी पे कर रहे हो उसके अगेंस्ट मैं आपको छूट दे दूंगा। तो इसलिए हमने क्या किया, उसको अपना इनपुट जीएसटी में डाल दिया, उसको मैंने क्या किया इनपुट जीएसटी में डाल दिया, उसके बदले मेरा क्या हो रहा है, एसेट अराइज हो रहा है, मुझे गवर्नमेंट से चीज लेनी है। अगर मुझे लेनी होती है तो बच्चों मेरा किधर आता है, मेरा आता है डेबिट साइड, क्योंकि मुझे फ्यूचर में उससे रिगार्डिंग कुछ मिलना है, क्लियर। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो इनपुट टैक्स, इनपुट, अगर हम इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी किसके केस में होगा, जब हम परचेज करेंगे मटेरियल, और आउटपुट जीएसटी किस केस में होगा, जब हम मटेरियल को सेल्ड करेंगे। इससे रिलेटेड भी आप याद रखना, परचेज करते हैं तो हमारे पास मटेरियल इन होता है तो इसलिए इनपुट जीएसटी नाम दे दिया, सेल्स करते हैं तो मटेरियल आउट होता है तो इसलिए हमने उसको आउटपुट जीएसटी दे दिया। ये हमारी लाइबिलिटी है, हम मटेरियल, हम कस्टमर से पैसे तो ले रहे हैं जीएसटी के नाम से, तो गवर्नमेंट को भी पे करना पड़ेगा, जब हमें कुछ पे करना पड़ता है तो हमारी लाइबिलिटी अराइज हो जाता है। दूसरा क्या है, हमने टैक्स पे किया है, हमने टैक्स पे कर दिया तो क्या हुआ, इसके बदले गवर्नमेंट ने हमसे प्रॉमिस किया है कि तुमने जो टैक्स पे किया है उसके बदले मैं तुम्हें छूट दे दूंगा। क्यों छूट दे दूंगा, क्योंकि मैंने उसको ये ऐसे कह के कन्विंस किया कि जो 100 रुपये का मटेरियल है उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 1000 रुपये में, मतलब ये जो 1000 रुपये का मटेरियल है उसमें 100 रुपये का मटेरियल भी इंक्लूड है, 1000 रुपये का जो मैं सूट बेचूंगी उसमें 100 रुपये का मटेरियल भी, 100 रुपये का मटेरियल मैंने डाला हुआ है, तो 100 रुपये के मटेरियल पे तो मैं ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका, तो अगर 100 1000 में से 100 रुपये का मटेरियल पे मैं ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका तो मुझे इसकी तो छूट दो ना, मैंने इसलिए गवर्नमेंट को किया कन्विंस। तो गवर्नमेंट मान गई कि आपके जो 100 रुपये पे आपने जो 18 रुपये टैक्स पे कर रखा है, तो जब भी आप मुझे 1000 पे टैक्स पे करोगे तो मैं उसके अगेंस्ट आपको डिडक्शन दे दूंगा, इसलिए क्या है जो 18 रुपये है वो मेरी एसेट, क्लियर। समझ आया, 1000 रुपये में 100 रुपये के ऊपर तो वो टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका था इसलिए गवर्नमेंट ने उसे छूट दी है, क्लियर कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यही है इसी चैप्टर में, बहुत सिंपल सा है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद मोर टॉपिक्स के साथ।
ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल पे, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू। Thank you.